हेलो गाइस, वेलकम टू बाय माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ए बी फिस्टुला इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। ए बी फिस्टुला सर्जरी में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं ए बी फिस्टुला क्या होता है। ए बी फिस्टुला आरटी और वेन को मिलाकर बनाया जाता है, जिसमें हम फॉर्म में यहाँ पर हम ए बी और आरटी और वेन को मिलाकर ए बी फिस्टुला बनाते हैं, जिसको हम मेडिकल टर्म में एनास्टोमोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एनास्टोमोसिस। इसको मेडिकल टर्म में एनास्टोमोसिस नाम दिया गया है, जिसमें हम आरटीए और वेन दोनों को काट कर आपस में मिलाते हैं, जो फिस्टुला कहलाता है, ए बी फिस्टुला। तो चलिए हम इंस्ट्रूमेंटों के बारे में बात करते हैं। ए बी फिस्टुला सर्जरी में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंटों के बारे में, ये हमारे पास बाउल होता है। ये बाउल होता है। बाउल का काम होता है बेटाडीन लिक्विड सॉल्व लेकर इसमें पेशेंट को पेन टाइप करने के लिए। उसके बाद हम किडनी टी ले लेते हैं, जिसमें नॉर्मल सैलाइन के साथ लोकल लोड कर लेते हैं, जो पेशेंट को उस एरिया में, जिस एरिया में सर्जरी होनी है, तो उस एरिया में लोकलाइज करते हैं। जी आप जानते हैं ये स्पंजोडिक फॉर्सेप्स होता है। चलिए बाकी इंस्ट्रूमेंट बताते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये बीपी हैंडल होता है, तीन नंबर बीपी हैंडल है, दिखाई दे रहा होगा, तीन नंबर बीपी हैंडल, जिसमें हम 11 नंबर प्लेट लगाकर सर्जरी में यूज करते हैं। उसके बाद हमारा आता है हुक। ये हुक होता है जो वेन आर्टरी को रिटेक्ट करके रखता है, करके रखता है। ये होती है हमारा पोर्ट सीजर। ये आप देख रहे हैं, ये पोर्ट सीजर होती है। कौन सी सीजर होती है? पोर्ट सीजर। कुछ इस प्रकार से बनी होती है, कर्व होती है, कर्व पोर्ट सीजर होती है। ये हमारी नॉर्मल सीजर है, नॉर्मल कट सीजर है, जिससे हम स्टिचेस को रखते हैं। ये स्ट्रेट सीजर होती है, देख रहे हैं, ये स्ट्रेट सीजर होती है। ये हमारे डिटेक्टर हैं, इनको लैंगनबैक डिटेक्टर कहते हैं। एक पेयर रखते हैं हम ट्रॉली पे, ये देखें पतले से होते हैं, लैंगनबैक डिटेक्टर हैं। उसके बाद हमारा आता है बुलडॉग, देख रहे हैं, इसको हम बुलडॉग क्लाइंब फोर्सेस बोलते हैं। इसका मेन काम होता है लाइक दैट, ये आपकी वेन जा रही है, ये वेन जा रही है, तो इस प्रकार से ये वेन को क्लाइंब करता है, जिसका नाम दिया गया है बुलडॉग क्लाइंब फोर्सेप्स। इस प्रकार से ये वेन और आर्टी को क्लाइंब करता है। उसके बाद हम इंसीजन लगा के उसको जोड़ते हैं। तो आप समझ, माइक्रो सर्जरी में ए बी फिस्टुला सर्जरी में मेन रोल इसी का होता है, बुलडॉग क्लाइंब फोर्सेप्स होती है। ये देख रहे हैं आप, ये माइक्रो सक्शन है, माइनर सक्शन बोल सकते हैं इसको, ये माइनर सक्शन होता है। इस वजह से माइनर होता है क्योंकि इसमें छोटी सर्जरी होती है, माइनर माइक्रो सर्जरी होती है, इसलिए इसमें हम छोटा सक्शन लेते हैं, बिल्कुल माइनर सक्शन। और हमारा दूसरा इंस्ट्रूमेंट आता है मॉस्किटो। ये कर्व मॉस्किटो होती है, ये आप देख लो, हम दो पेयर कर्व मॉस्किटो ले लेते हैं और एक पेयर स्ट्रेट मॉस्किटो, जो ये सूचर को होल्ड करके रखते हैं स्टिच को। दूसरा इंस्ट्रूमेंट हमारा आता है, ये दूसरा हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है आईलिड डिटेक्टर। ये आप देख रहे हैं, ये आईलिड डिटेक्टर होता है, ये आप देख रहे हैं, ये आईलिड डिटेक्टर बोलते हैं, इसका नाम आईलिड डिटेक्टर होता है। ये डिटेक्ट काम करने वाला है, ये डिटेक्ट करता है इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा इंस्ट्रूमेंट आता है, ये है मस्टर्ड, याद देख, ये मस्टर्ड डिटेक्टर होता है। इसका काम होता है कुछ इस प्रकार से, हम आरटी और वेन दोनों को लेते हैं, उसमें हमारी स्किन को ये इस प्रकार से, दूर कर देता है, याद रखो, इस प्रकार से होल्ड कर लेता है और इस प्रकार से मसल्स को खोल देता है, ओपनिंग कर देता है, जिससे हमें इजीली आरटी और वेन को देखने में दिक्कत नहीं होती, पहचानने में दिक्कत नहीं होती, इजीली सर्जरी कर सकते हैं इससे। दूसरा हमारा इंस्ट्रूमेंट आता है, ये देख, बहुत ही माइक्रो रिंग फोर्सेप्स होती है, ये कुछ इस प्रकार से, ये देख रहे हैं, ये माइक्रो रिंग फोर्सेप्स है। तो ये आप देख रहे हैं, ये होता है माइक्रो, बहुत ही माइक्रो, माइनर सर्जरी में, माइक्रो सर्जरी में यूज़ किया जाता है, इसका नाम माइक्रो रिंग फोर्सेप्स होता है, देख रहे हैं, इसकी टिप बहुत ही फाइन होती है। और ये हमारा दूसरा इंस्ट्रूमेंट आता है टूथ फोर्सेप्स, जिस अपर स्किन में सुचरिंग करने का काम करता है, ये होता है टूथ फोर्सेप्स, जिसके दोनों इनमें टूथ पाया जाता है।
और हमारी ये दूसरी फॉर्सेप्स होती है, नॉर्मल फॉर्सेप्स होती है, नॉन टू डिसेंडिंग फॉर्सेप्स होती है। उसके बाद हमारा आता है ये नीडल होल्डर, ये देखिए अपर स्किन में सुचरिंग करने का काम इस नीडल छोटे से स्मॉल नीडल होल्डर की सहायता से हम करते हैं। ये दूसरा हमारा ए वी फिस्टुला सर्जरी में यूज होने वाला नीडल होल्डर आता है, तो लिखा रहे हैं आपको, जिसको हम येरा, ये कर्व होता है आगे से फाइन होता है, ये इतना इस माइक्रो इस वजह से होता है क्योंकि उसमें हम 60 प्रोलिन का यूज़ करते हैं। इसका नाम है कास्ट्रोविजो नीडल होल्डर, इसका नाम होता है कास्ट्रोविजो नीडल होल्डर। ये कास्ट्रोविजो नीडल होल्डर होता है जो आगे से बहुत ही फाइन होता है, टिप देख पा रहे हैं इसकी टिप भी बहुत ही फाइन होती है। ये कास्ट्रोविजो नीडल होल्डर होता है और ये हमारी सीजर आती है, ये देखो ये भी फिस्टुला सर्जरी में यूज़ होने वाली सीजर है, से ये कर्व सीजर होती है फिस्टुला में यूज़ होने वाली, और ये सीजर आती है देख पा रहे हैं, सीजर होती है ये बहुत ही फाइन एंड माइक्रो सीजर होती है जो भी फिस्टुला सर्जरी में यूज की जाती है। इस प्रकार से आपने देखा ए वी फिस्टुला सर्जरी में यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंटों को, किसी भी प्रकार की तमाम वीडियो देखने के लिए, सभी इंस्ट्रूमेंटों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर कमेंट नाउ। थैंक यू।